हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि फेज़ टू के रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे थे। मैंने कल इवनिंग में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी, तो मैंने आपसे बोला था कि आप पेशेंस रखें, क्योंकि इसकी 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और आप इस नोटिस में भी देख सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो फॉर्म भरना है उसमें क्या क्या गलती नहीं करनी, किस तरह से फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 10 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो फर्स्ट फेज का फॉर्म भरा गया था, अगर उसमें कोई भी करेक्शन करना है, लाइक जिस तरह से जेंडर, नेशनलिटी, ईमेल, एड्रेस, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल, क्लास 11, 12 की कोई भी डिटेल हो, आप इसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। एक बार करेक्शन हो जाने के बाद दोबारा करेक्शन आप ये नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको किस तरह से इसके फॉर्म को भरना है मैं आपको बता देता हूं, और वीडियो में फ्रेंड्स अंत तक बने रहिएगा, और बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को स्किप ना करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें, और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और टेक्निकल हिंदी रुचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें हमारी वीडियो को प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहूँगा, पूरी काउंसलिंग डेट लेवल में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फ्रेंड्स कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जिन छात्रों को अन अकेडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो उनके लिए एक बेटर मौका है अभी आपके पास, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसको इंडिया का लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट कराता है फॉर नीट यूजी के लिए। तो एवरी संडे सुबह 11 बजे इसका टेस्ट होगा। कोड है मेरा TCA10, डाल करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइव लीडरबोर्ड चेक कर पाएंगे। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको केवल केवल 60 मिनट में केवल फ्रेंड्स 28 क्वेश्चन करने होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी 4 से 10 तक रैंक आने पर। और फ्रेंड्स जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, छात्रों को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड भी डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, ये कोड डाल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी वगैरह हो मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और सब्सक्रिप्शन अगर आप मेरी कोड TCA10 से लेते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, जिससे मैं जो हेल्प जितनी भी करूंगा आप जो से बुक वगैरह अपनी परचेस कर पाओगे, ठीक है। साथ ही फ्रेंड सामान्य बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है, सुपर अचीवर बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है फटाफट से ये कोड TCA10 डाल करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ नीट की वेबसाइट पर, neet.nt.nic.in। इस वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो करेक्शन फेस सेकंड NEET UG 2021 यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अभी आपके सामने देखना होगा कि अभी वेबसाइट एरर दिखा रही है, लेकिन अभी कुछ देर बाद आप इसको ट्राई करिएगा। लेकिन जब मैं इसके फॉर्म, एक स्टूडेंट्स का फॉर्म था उसको भर रहा था सेकेंड फेज का, तो उस टाइम ठीक था, लेकिन जस्ट अभी ये जो है एरर दिखाने लगा है। डोंट वेरी, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही वेबसाइट, तो आप चिंता ना करें, थोड़ी देर बाद इसको जो है आप लॉग इन करिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखना है फ्रेंड्स क्या इसका प्रोसेस है, कैसे कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर मैं आ चुका हूं, आप देख सकते हैं। और यहां पर जैसे ही आप आते हैं तो यहां पर देखिएगा कैसा है, क्या प्रोसेस करना है। देखिएगा, जब आप आएंगे उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। जब आप अपनी लॉगिन आईडी वगैरह डालते हैं, अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, इमेज अपलोड, फीस पेमेंट, ये सभी करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका नेम आएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आएगा, सभी कंप्लीटेड होंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर क्या करना है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, यहां पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, करेक्ट कम फिलिंग ऑफ फेज टू एंड एप्लीकेशन फॉर्म पर्टिकुलर, यहां पर आपको क्लिक करना है करेक्शन कम फिलिंग ऑफ फेज टू इन एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहां पर आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आएगा, और यहां पर आपके जो मोबाइल नंबर है इस पर एक OTP जाएगा, ठीक है, 5 या 6 नंबर का OTP होगा, जो कि 15 मिनट के अंदर वैलिड रहेगा। तो आपको ये OTP डालना है, वेरीफाई टू प्रोसीड फॉर करेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, OTP डालते हैं, वेरीफाई टू प्रोसीड फॉर करेक्शन पर क्लिक करिएगा, आपका नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ शो करेगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपका नेम आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, जेंडर मेल फीमेल आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, और आपकी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ 12वीं से आपने क्वालिफाई किया होगा वो आएगा, आपकी कैटेगरी आएगी। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, पूरी डिटेल आपने जो फेस वन में भरी थी वो आपकी डिटेल यहाँ पर शो करेगी। देन उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको डायबिटीज,
नो इंडियन कि आपकी नेशनलिटी आएगी कि आप किस देश के निवासी हैं। अगर आपने कोई ड्रेस कोड पहना हो तो यहाँ पर यस होगा, अन्यथा नो होगा। देन उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट होगा अप्लाई फॉर नीट ईजी। यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपको भरना है अपना 10th का डिटेल, आपको यहाँ भरना है उत्तीर्ण की स्थिति, किस ईयर में आपने सॉरी आप पास आउट हैं कि नहीं है वो यहाँ पर आएगा, उत्तीर्ण होने का ईयर, किस वर्ष आपने 10th क्वालिफाई किया है, ठीक है, और क्वालिफाइंग एग्जाम कोड, क्वालिफाइंग एग्जाम कोड फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। देन उसके बाद स्कूलिंग, आपका स्कूल जो है किस स्थान पर है, अर्बन है कि कहते हैं कि अब अर्बन है कि शहरी है वो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉलेज का प्रकार क्या है वो आएगा, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, ठीक है, वो आएगा सभी। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन से किस स्टेट में कॉलेज आपका, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा बोर्ड है, ठीक है, रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है कि क्या है, रोल नंबर आपको हाई स्कूल का देना है, मीन 10th का देना है, ठीक है, क्योंकि 10th का ही यहाँ पर मांगा जा रहा है। और स्कूल कॉलेज का नाम आपको देना है कि आपके कॉलेज और स्कूल का एड्रेस क्या है, स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या है। उसके बाद 11th की डिटेल आपको फिल करनी है, 11th की डिटेल में आपको फिल करना है कि उत्तीर्ण किस वर्ष स्टेटस, कि आपको उत्तीर्ण है कि नहीं है, पास है कि नहीं है, वो यहाँ पर क्वालिफाई देना है कि आप पास तो होंगे होंगे, जाहिर सी बात है पास्ट, ठीक है। उसके बाद किस ईयर में पास हुआ है आप, 11th, ठीक है। और उसके बाद योग्यता परीक्षा कोड आपको देना है, कॉलेज स्कूलिंग का स्थान क्या है, ठीक है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, कैसा स्कूल है, प्राइवेट था कैसा था, किस स्टेट में था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था, बोर्ड का नेम क्या था, कॉलेज का रिजल्ट मोड क्या है, रोल नंबर आपको देना है, कॉलेज का नेम एड्रेस और कॉलेज का पिन कोड। अब फ्रेंड्स देखिएगा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारे पास, हमको मार्क्स ही नहीं पता है। एक बात क्लियर कर दूं, आप यहां देख सकते हैं 11th की डिटेल में कहीं भी आपको मार्क्स नहीं पूछे गए भी आपको कितने मार्क्स आए थे, केवल क्या पूछा गया है आपने किस वर्ष क्वालिफाई किया है, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, और रिजल्ट मोड क्या था। लेकिन आपसे ये कहीं नहीं पूछा गया कि भाई आपका कितना परसेंटेज है, कितने मार्क्स आए थे, ये कुछ भी नहीं पूछा गया। तो परेशान ना हो, आप जिस भी कॉलेज में पढ़े हैं वहां कॉलेज में जाकर के जानकारी लीजिएगा, आप पूरी डिटेल भर सकते हैं, मार्क्स की कुछ भी नहीं यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। और अगर कोई भी इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता है कि भाई आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, ये परसेंट वगैरह कुछ ना फिल करना पड़े, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। 12th की डिटेल आपने जो फर्स्ट फेज में भरी थी वो यहाँ पर आपको शो करेगी, मैंने इसको ब्लर कर दिया है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी के लिए मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद सब्जेक्ट आपके जो 11th सॉरी 12th में जो सब्जेक्ट थे आपके, इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, आपको कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर भरने हैं पूरे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर करना है अपना एड्रेस आएगा यहाँ पर आपका, जो एड्रेस आपने फर्स्ट फेज में भरा था, फेज वन में आपने जो एड्रेस भरा था वो आएगा। आपके पेरेंट्स की इनकम डिटेल भरनी है, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, इनकम एनुअल इनकम कितनी है, मदर की देनी है और गार्जियंस की देनी है। ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तीनों भरना है, एक भी मत भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, अगर नहीं भरते हैं तीनों में से कोई भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा ही फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनल सबमिशन वाला, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो बस यही प्रोसेस है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है, जो आप यहां पर जो फॉर्म भरेंगे तो इसमें थोड़ा ध्यान से भरिएगा, कोई गलती मत करना। अगर अभी कोई गलती कर देते हो तो जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, कॉलेज अलॉट होगा, तो वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इसमें करेक्शन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में करेक्शन ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी करेक्शन कर सकते हैं, एक इसमें अपनी लिंग जेंडर में करेक्शन कर सकते हैं, नेशनलिटी में करेक्शन कर सकते हैं, कैटेगरी में करेक्शन कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या है कि नहीं है इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आई मीन देख सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये, इसमें करेक्शन नहीं कर सकते, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसमें ब्लैक दिख रहा है नहीं होगा करेक्शन, ये ब्लैक दिख रहा है इसमें करेक्शन नहीं होगा, जो व्हाइट दिख रहा है इसमें करेक्शन हो जाएगा, ये व्हाइट है इसमें करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस करेक्शन हो पाएंगे, ये ब्लैक ब्लैक है इसमें करेक्शन नहीं होगा। तो बस यही बताना था, और कोई क्वेरी वगैरह हो कमेंट में पूछेगा। जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है फ्रेंड्स अनअकैडमी का, ये कोड TCA10 डाल करके सब्सक्रिप्शन लें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी वगैरह हो कमेंट में पूछ लीजिएगा।